हाय एवरीवन आज हम बात करेंगे आ, चीतास पे तो आप जानते ही हैं कि अफ्रीका से हम कुछ चीता इंडिया में लेके आए क्योंकि इंडिया में रिजनली चीता एक्सटिंक्ट हो चुके थे री इंट्रोडक्शन प्लान हमने लाया बट रिसेंटली अब हमने देखा कि एक चीता की पहले डेथ होती है अब एक दूसरा चीता है उसकी भी आज आ, डेथ हो गई सो so, वॉट इज़ द रीज़न क्या ये री इंट्रोडक्शन प्लान में कुछ कमी है कहाँ पे कमी है जिस वजह से ये डेथ्स हो रही हैं तो इस पूरे मुद्दे को हम आज एनालाइज करेंगे इन्वायरमेंट के एंगल से बाकी आप यहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस सो देखिए प्रिंट मीडिया में भी हर जगह ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल का ये न्यूज़ है कि फर्स्ट चीता साशा जो है पहले उसकी मृत्यु हुई अब सेकेंड चीता जो है कूनो नेशनल पार्क में उसकी डेथ हो गई और इसका नाम था उदय और बिफोर डेथ पाया गया कि उदय की एनर्जी काफ़ी लो हो चुकी थी ऑलरेडी और ये आप देख सकते हैं ये उदय के पिक्चर्स जो आपको इंटरनेट पर मिलेंगे अफ्रीकन चीता उदय डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट तो ये भी कहा जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट से शायद इसकी डेथ हुई है सो ऑल दो देर वेटिंग फॉर द ब्लड सैंपल्स कि क्या निकल के आता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स क्या आती हैं आगे बढ़ने से पहले एनालिसिस करने से पहले आई एल चेंज द डेट हीयर इट इज़ थर्टीथ अप्रैल टेस्ट सीरीज आप यहाँ पर फिर से दे सकते हैं एनरोल कर लीजिए फ्री टेस्ट सीरीज़ है और आप बहुत सारे प्राइजेस इसमें जीत सकते हैं हंड्रेड क्वेश्चन जी एस के और एटी क्वेश्चन ई साठ के रहेंगे अमेजिंग प्राइजेज डू एनरोल योर सेल्फ और ये सबसे बड़ा न्यूज़ है कि सिर्फ थर्टीथ अप्रैल तक ही ये प्राइस में आपको पाथफाइंडर का ये बैच मिलेगा जिसमें आपको ऑफ हंड्रेड प्लस मिलेंगी 50 टेस्ट मिलेंगे अर्ली बर्ड ऑफर हमारा सिर्फ और सिर्फ थर्टी अप्रैल तक है उसके बाद ये प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे जितने जल्दी आप एनरोल करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा सो फुल प्रोग्राम है आपका इंटरव्यू तक का चलिए अब इस टॉपिक पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मेन किस नजरिए से सोचने की जरूरत है अबाउट द री इंट्रोडक्शन प्लान कि एक एरिया भारत का जहां भारत इनफैक्ट जहां पे चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है अब हम दूसरे देश से चीता लाके वहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो काफी प्रेशर भी है इंडिया पे इन्वायरमेंटलिस्ट uh, जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं कि ये सक्सेसफुल होना चाहिए लेकिन हमको पहले से मालूम था कि हो सकता है सर्वाइवल रेट जो है वो कम हो बारह चीते हम साउथ अफ्रीका से लेके आए कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में जिसमें से दो की मृत्यु अब हो चुकी है लेकिन हमने बीच में ये देखा कि एक चीता ने दो जन्म भी दिया यहाँ पे बर्थ भी दिया कब्स को जिस चीता so, मरने से पहले जो उदय है चल नहीं पा रहा है सडनली को हो जाता है फिर वेटनरी डॉक्टर्स को बुलाया जाता है अब उसको ठीक करने के लिए वेटनरी हॉस्पिटल में लिया जाए रास्ते में ही पहले ही इस प्रोसेस के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है सो so, ये जो मैंने आपको बताया जो फर्स्ट साशा जो जिसकी मृत्यु हुई जो पहले चीता की डेथ हुई बट उसका रीजन था कि उसको किडनी इन्फेक्शन था इनफैक्ट जब अफ्रीका से वो लाया जा रहा था उस वक्त भी ये था कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इंडिया में आके नहीं हुई तो वहां पे हम मैनेजमेंट प्लान को दोष नहीं दे सकते राइट right? इस पर हमने वीडियो कवर किया था डिटेल में uh, अभी हम उदय की डिटेल में बात करेंगे कि क्या रीजंस हो सकते हैं उससे पहले आप देखिए अभी रिसेंटली सभी चीता जो आए थे उनका नामकरण भी किया गया सबका नाम यहाँ पे रखा गया तो उदय का नाम भी था बट अनफॉर्चुनेट अन्फौर्चुन। अनफॉर्चुनेटली उदय अब हमारे बीच में नहीं है नाउ वजह से ये 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 हो हो रही है। तो पहला कि कि हमको ये मालूम है है जो चीता प्रोजेक्ट हमने हाथ में में लिया यहां पे high mortality हो सकती है, right? 50 survival rate हम लेके चल रहे थे कि 20 में से दस सर्वाइव करेंगे लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू होने पे बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहा है एक्सपर्ट्स पे क्यों क्योंकि ये माना जा रहा था कि कूनों में जहां पे आप चीता को इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसकी कैरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है जब हम कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी इज कि एक नेचुरल जगह जहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो कितना सपोर्ट कितने एनिमल्स को कितने प्रिडेटर्स को सपोर्ट कर सकती है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी भी हाई uh, प्रिडेटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं तो क्या चीता वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा क्योंकि चीता को सिर्फ इंट्रोड्यूस नहीं करना है ना किसी जगह पर उसको खाने के लिए शिकार भी चाहिए शिकार उसके लिए बचना भी चाहिए कि वो इज एबल टू हंट Right. क्योंकि पहले आप उसको काफी देर केज में रख रहे हैं बांध के रख रहे हैं तो बहुत सारे होता है तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना कमिंग टू मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उन्होंने कहा कि हम गांधी सागर अगर कूनो जो है वो कैरिंग कैपेसिटी कम रहता है चीता को प्रॉब्लम आती है तो हम गांधी सागर को रेडी करेंगे जो कि चंबल रिवर के पास है चंबल रिवर वैली इन मंड एंड निमाच डिस्ट्रिक्ट इनका प्रोनाउंसिएशन आप मुझे सही से बता सकते हैं जो लोकल लोग हैं वहां पे गांधी सागर को रेडी करने की बात की जा रही है कि हम चीता को थोड़ा पॉपुलेशन का वहां पे शिफ्ट करेंगे इस पे भी बातचीत चल रही थी नाउ फोकस ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है आप जानते हैं कि चीता फ्री रोमिंग एनिमल है सेल्फ सस्टेन सस्टेनेबल उसका पॉपुलेशन हो सकता है लेकिन जब अफ्रीका से इंडिया में चीता आया उससे पहले ट्रांजिट में ये काफ़ी देर अगर आप देखेंगे केज में रहे हैं तो so, क्या डेथ का प्रोबेबल रीज़न हो सकता है देखो साउथ अफ्रीका में बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं चीता पे कि चीता की डेथ किन किन कारणों की वजह से हो सकती हैं तो यहाँ पे 293 चीता डेथ्स के बारे में आ, एक स्टडी है जो बताती है देर आर वेरियस रीजंस इनकी डेथ्स किन वजह से हुई 293 में से 6.5 परसेंट चीता की डेथ हुई इमोबलाइजेशन ट्रांजिट जब आप एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जा रहे हो वो रीज़न हो सकता है Uh, और उसके बाद अगर आप देखेंगे ट्रैकिंग uh, डिवाइज जो लगाए जाते हैं चीताज पे उसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है सो देर आर सेवरल रीजंस जो कि किस कैटेगरी के अंदर आते हैं कि हैंडलिंग और मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रही वो पंद्रह परसेंट रीजन बन जाता है कि चीता की डेथ हो रही है तो यहाँ पे क्या हम मैनेजमेंट को दोष देंगे कि उदय की डेथ हुई या साशा की डेथ हुई खैर हम कुछ कंक्लूड इतना जल्दी नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप ये चार्ट देख सक, देख सकते हैं इमोबलाइजेशन से डेथ हो रही है कैंप डेथ हो रही है ट्रैकिंग डिवाइसेस की वजह से एज रिलेटेड डेथ्स है इंजर्ड हो रहे हैं हंटिंग के दौरान उसके बाद डिजीजेस की वजह से तो ये सब और ये बाकी के एनिमल्स भी इनको मारते हैं जैसे कि लायंस हो गए लेपर्ड्स हो गए हाइनास हो गए जैकल्स हो गए उसकी वजह से भी चीता की डेथ जो है वो होती है सो यस स्प्रीडेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इनका शिकार हो जाता है बिगेस्ट किलर चीता के लिए फिफ्टी चीता की मोटैलिटी क्योंकि और जो बड़े जानवर हैं वो इनको मारते हैं जैसे कि लायंस लेपर्ड्स हाइनास जैकल्स और कुछ और वाइल्ड लाइफ हैं जैसे वाट हॉग्स हो गए बैबूनस हो गए वो भी चीताज को एलिफेंट्स क्रोकोडाइल्स उनकी वजह से भी चीताज की डेथ होती है So, ये well documented fact है कि जो कब है, चीता है बच्चे वो भी बहुत ज्यादा शिकार हो जाते हैं इनफैक्ट उनको इसलिए प्रोटेक्टेड एरियाज में भी रखने की कोशिश की जाती है बट 90 परसेंट अगर आप देखेंगे चीता के बच्चे जो कब्ज हैं उनकी मॉर्टिलिटी शिकार वो किसी ना किसी बड़े जानवर का शिकार बन जाते हैं मेनली ड्यू टू प्रिडेशन तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ दिस इज अ स्टडी जो साउथ अफ्रीका ने डॉक्यूमेंट की है जब वहां पे बहुत सारे की डेथ हुई वो देखते हुए कि ये की डेथ किस वजह से हो रही है नाउ कमिंग बैक टू इंडिया उदय की अगर हम बात करें तो हमने देखा साउथ अफ्रीका चीताज जो है दस महीने इन्होंने बिताए फेंसड क्लोजर्स में आपने इनको वाइल्ड में नहीं छोड़ा क्योंकि आप धीरे धीरे उनको रिलीज करेंगे आपने इनको फेंस यानी चार दिवारी के अंदर रखा उससे पहले ये कॉरंटीन में आइसोलेशन पीरियड में भी काफ़ी देर रहे जब तक ये साउथ अफ्रीका से आते तो जो डिले हो रहा था ट्रांसलोकेशन अग्रीमेंट साइन करने में उस वजह से भी इनकी हेल्थ पे बहुत असर पड़ा है क्वारंटाइन में इनकी फिटनेस पे बहुत असर पड़ा है क्योंकि आप इनको खाना किस तरह से दे रहे हैं वो शिकार के लिए क्योंकि उनको खुले में घूमने की आदत है उस वजह से उनकी फ़िटनेस बनी रहती है तो वो स्ट्रेस्ड हो रहे हैं शायद खाना भी उनको प्रॉपरली नहीं मिल रहा हो सकता है कि फीडिंग में भी इश्यू हो इनकरेक्ट फीडिंग दी जा रही हो सो so, ये सब रीजंस हम ट कर सकते हैं कि मैनेजमेंट में अगर प्रॉब्लम रही हो तो इन एरियाज में प्रॉब्लम हो सकती है कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा कि आप गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रिपेयर करो जो कि हम सेकेंड होम बनाएंगे ताकि कूनों पर प्रेशर ना रहे और चीताज भी वहाँ पे इजिली रह पाए इसको हम बोलते हैं मेटा पॉपुलेशन मेटा पॉपुलेशन क्या होती है अलग अलग पॉकेट्स में जेनेटिक uh, वायबिलिटी बनाने के लिए जो सेम एनिमल की स्पीशीज है उसको शिफ्ट कर देते हो तो वही चीज यहाँ पे भी करने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि कुछ केस स्टडीज थी वो ये बता रही थी जैसे साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल दिया कि एक जगह पे तो चीतास थे फिर धीरे धीरे उनको दूसरी जगह पे भेजा जा रहा था लेकिन जैसे ही सप्लाई बंद की गई तो देखा गया कि पॉपुलेशन जो है चीतास की वो फिर से गिरने लगी तो मतलब मेटा पॉपुलेशन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप अलग अलग जगह पे क्योंकि देखिए एक ही जगह चीतास चीता को रखेंगे कोई ऐसी बीमारी फैलती है तो सबके सब, सब चीता मर सकते हैं तो आप उनको दो अलग अलग जगह पे रखेंगे तो उनका सर्वाइवल रेट जो है वो इंक्रीज हो सकता है अब देखिए ये कंजर्वेशन सोल्यूशन हैं लेकिन आपको नहीं लगता हम थोड़ा लेट हैं ये कंजर्वेशन सोल्यूशन लाने के लिए ये सब हमको तब सोचना चाहिए था जब चीताज यहाँ पे नहीं आए थे हमको पहले ही सारी प्रिपरेशंस करके रखनी चाहिए थी अब आप कूनो में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं अब आप गांधी सागर को तैयार कर रहे हैं बिकॉज़ योर फीलिंग कि यहाँ पे हो सकता है कि गैरिंग कैपेसिटी नहीं है ये सब चीज़ें चैलेंजेस के बारे में पहले से ही सोच के रखना था बट एनी वे जैसे मैंने आपको बताया कि यस मोटेलिटी होती है चीताज में शायद ज़रूरी भी नहीं है कि डाइट का ही रोल हो कि जैसे अभी उसको ये बॉफिलो फीड कर रहे थे बट जो कंजर्वेशन की टीम्स हैं यहाँ पे एक्सपर्ट्स की टीम है वो रेगुलरली अफ्रीकन अथॉरिटीज़ के टच में भी हैं जो वहाँ पे लोग चीताज को देखते हैं कि क्या प्रॉबेबल और हम चीज़ें कर सकते हैं इनके बेटर मैनेजमेंट के लिए बट आने वाला समय ही हमको बताएगा कि ये प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल हुआ या हो सकता है एक फेलियर भी हो बट uh, अभी हम इस पर कंक्लूड नहीं कर सकते वेदर इट इज अ सक्सेस और अ फेलियर सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द लॉन्ग रन सक्सेस और फेलियर ऑफ चीता प्रोजेक्ट विल बी डिटर्मेंड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल कंजर्वेशन एस दैट एनवी सेट इज प्रोटेक्टिंग नेचुरली डिस्पोजिंग वाइल्ड लाइफ इन वायबल नॉन फ्रेगमेंटेड हैबिटाट्स हमको नॉन फ्रेगमेंटेड में हम यूज कंजर्वेशन करते हैं तो प्रोबेबली वही ट्रेडिशनल तरीके से हमको चीता पे भी अप्लाई करना पड़ेगा बट हाँ यहाँ पे एक चीज और है कि जो की बात हम कर रहे हैं, तो उदय का यही है कि फिलहाल कार्डियक कोई बोल रहा है। बट अगेन जब तक पो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता कि पुख्ता तौर तो पे हमको पता चलता कि उसको क्या हुआ है बट दिस वॉजिसमेंट एंगल से किया है लुकिंग एट दिप्रिडेटर रिलेशनशिप कैरिंग ऑफ इको एंड री प्रोजेक्ट्स थैंक यू सो मच